ये क्या मजाक है? आप मुझे खाली लिफाफे देने आए हैं। और वैसे भी इस रकम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी कोई जरूरत पूरी हो सकती है। और जब हालात खराब हो ना, तो भरम दिखाने से सुधरते नहीं है। आयशा अंदर है, आपको सुझा के मिल सकते हैं। वो अभी तक यही समझता है कि मैं आज भी उसको छोड़कर चली जाऊंगी। आयशा, तुम उसे कभी मत छोड़ना। प्लीज। आपको खाना सर्व कर रहे हैं। हाँ, बट ये आपका काम नहीं है। तो फिर आप बता दें क्यों हूँ मैं यहाँ पर। ऑफिस में आपके सामने आ नहीं सकती, घर पे भी आपके सामने आना मना हो गया। क्या कर रही हूँ मैं यहाँ? मैं ना मुँह खोली, मैं ना कुछ बोली, और जो दूसरी जगह तुम इंटरव्यू देने गई थी, वहाँ क्या बात बन जाएगी? नहीं अम्मा, मिल जाएगी नौकरी, कर तो रही हूँ कोशिश। सिर्फ कोशिश से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ और सोच रही हूँ। क्या? अम्मा ये देखें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, बासित के सामने फिर से हाथ मत फैलाइएगा। इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है। छत आ ही गई है ना, दो दिन भूखे पेट सो लेंगे तो कोई मर नहीं जाएंगे। अरे भाई, ये फलसफों की दुकान मेरे सामने ना खोलो। बेटी है मेरी, मुझे पता है क्या करना है। हाँ, बड़ा पता है तुम्हें तुलसिया भाभी। जोया के मामले में थोड़ी अकल से काम लेना, वो बानो नहीं है। क्या मतलब? क्या हुआ आप? आप यहाँ भी काम कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आप डिस्टर्ब हों, तो I'll be good। बात डिस्टर्बेंस की नहीं है, लोगों की नजरों में हमारा एक रिश्ता है। मैं नहीं चाहती कि सवाल उठे। करीम, करीम, करीम कहाँ है? साहब जी, करीम तो क्वार्टर पर है। क्यों, क्या हुआ सर? पता नहीं साहब जी, मैं तो घर जल्दी चला गया था, आज ही आया हूँ, मालूम करता हूँ। अच्छा,
जा जा के उसे बुला और कॉफी भेजो मेरे लिए। जी बेहतर साहब। आप नाश्ते में क्या लेते हैं? कुछ नहीं। दिन अच्छा गुजरता है अगर नाश्ता ठीक से किया जाए। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। साहब जी करीम तो गांव चला गया है। उसको छुट्टी किसने दी? मैंने उसे छुट्टी दी है। आपको पता है वो इस घर में क्यों है? मुझसे पूछे बगैर इजाजत देने का क्या मकसद है? घर पे और भी कई मुलाजिम हैं। वैसे भी अब तो आयशा भी आ गई है, तो शी लुक आफ्टर यू। आई सी। क्या पता कन्वेंशनल क्यों बन रही हैं? आपको पता है आप ये एक्ट करके ज्यादा फेक लगती हैं। आप इसको भी अपने जैसा बनाना चाहती हैं? क्योंकि खुद तो आपने किसी असूल का पास रखा नहीं। करीम को इसी वक्त वापस बुलाएं। रफी बैक। बासित, देखते हैं आज कौन खुश नसीब बासित सर की पीए बनती है। ध्यान से, घर छोड़ने का तुम्हें ही बोलेंगे। हाँ, और उसका फोन भी मैं ही ला कर दूंगा। तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया हुआ है? जी सर।
लेकिन आपकी सीवी पर ऐसा कोई एक्सपीरियंस शो नहीं हो रहा। आपने पहले कहीं जॉब की है? नहीं सर, मैंने ना से ग्रेजुएशन की हुई है। आप मुझे एक मौका दें, मैं अपना 100% दूंगी। नहीं सर, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं क्वालिफाइड हूँ। क्लास में टॉपर थी, मुझे स्कॉलरशिप भी ऑफर हुई थी। सर मैं समझ सकती हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक्सेल करना चाहती हूँ और मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगी सर। लोगों की नज़रों में हमारा एक रिश्ता है, मैं नहीं चाहती कि सवाल उठे। आप लोग ये कंटिन्यू रखें, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल लेनी है और आप को जो समझ आए आप उसको अपॉइंट कर सकते हैं। हेलो बानो, मुझे करीम ने बताया कि तुम परसों आई थी, मिले बगैर क्यों चली गई? हाँ आई थी, पर वो बासित को लिफाफे देने आई थी जो कल रात वो हमें मजबूर जान समझ कर ना खैरात के तौर पर देकर गया था। बासित को लिफाफा नहीं चाहिए था, उसको लेटर चाहिए था यार। काश मैं ना ही लौटाने आती वो। क्यों, बासित ने कुछ कहा? उसने क्या कहना है, खुद ही शर्मिंदगी हो गई जब वो लिफाफे खाली उसके हाथ में थमाए थे। क्या मतलब, तो सारे पैसे कहाँ गए, किसने लिए? चूड़ी भी गायब है पैसों के साथ साथ। आयशा मुझे तो लगता है अम्मा नहीं ना। नहीं 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 नहीं, अम्मा झूठ नहीं बोलती। पैसे जोया ने लिए, कल मैंने उसे मॉल में देखा था, थी शॉपिंग कर रही थी और फिर मैंने जाके देखा कि वो काउंटर पे बिल भी दे रही थी। मैं भी हैरान हूँ कि उसके पास पैसे कहाँ से आए, मैं उसे कुछ कह नहीं सकी, मैं सादी आंटी के साथ थी। सोया? Oh my God, उसे सारे पैसे खर्च कर दिए? पता नहीं यार, घर में खाने को कुछ नहीं और ये लड़की पराए लड़कों पे पैसे खर्च कर रही है, कब आएगी इसे अकल? इसकी अकल ना मैं अभी ठिकाने लगाती हूँ। खुदा हाफिज़। हाँ करीम, वालेकुम अस्सलाम। करीम स्टडी में जाओ, वहाँ एक ब्लू कलर की फाइल होगी, वो ड्राइवर को दो और उसको बोलो वक्त मुझे फैक्ट्री लाके दे। साहब ब्लू फाइल? हाँ करीम ब्लू फाइल। जी जी कहिए। कहना क्या है बेटा, बस एक दरख्वास्त करनी थी तुमसे। मैं समझा नहीं, कैसी दरख्वास्त? देखो मेरा और तो कोई बेटा है नहीं, तुम्हें ही अपना बेटा माना है मैंने। आप कहें क्या बात है? बेटा मेरा बाजू तो हमेशा बेटियां बनी है। आयशा काम कर रही थी, उसकी शादी कर दी, औलाद की खुशी कौन सी माँ नहीं चाहती, लेकिन लेकिन बेटा खुशी से पेट की भूख नहीं मटती। असल में आंटी मेरी अभी एक मीटिंग है, थोड़ा जल्दी में हूँ। हाँ हाँ मैं जानती हूँ मसरूफ हो गए, लेकिन बेटा बेटियों का साथ है, जमाने की नजरें, लोगों के ताने, डरती हूँ अकेली औरत क्या कर सकती है। मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश थी बेटा कि तुम जैसा दामाद हो मेरा, इसलिए बस सोचा कि तुमसे ही कहूँ, और तो कोई है नहीं मेरा सुनने वाला। जी बानो नौकरी के लिए मारी मारी फिर रही है, किसी ऑफिस में उसे नौकरी नहीं मिल रही। देखो बेटा अगर तुम्हारे ऑफिस में उसे नौकरी मिल जाएगी तो मुझे भी इत्मीनान रहेगा कि सही जगह पर लग गई है। जी मैं देखता हूँ, कोई जगह खाली होती है तो आपको बताता हूँ। मुझे पूरा यकीन था बेटा तुम इनकार नहीं करोगे। खुदा हाफिज। ओके वाह भाई, बड़े ब्रांडेड नए कपड़े, खूब शॉपिंग हो रही है। शॉपिंग कहाँ, ये तो मेरी दोस्तों ने मुझे दिया, मैंने उनको बर्थडे ट्रीट दिया था और उन्होंने मुझे ये सब दिया। तुम्हारी बर्थडे तो 2 महीने पहले थी ना। हाँ तो ट्रीट अभी दिया ना। और पैसे कहाँ से आए ट्रीट के लिए? पैसे कहाँ से आएंगे, मेरी पॉकेट मनी से मैंने जमा किए थे। मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हें पॉकेट मनी कितनी मिलती है।
और जो उस लड़के को तुमने महंगी चीजें खरीद के दी है ना, वो भी मुझे पता लग चुका है कि कितने की दी है। कौन सा लड़का? वही जिसके नाम की धमकियां तुम अम्मा को दे रही थी। सच सच बताओ, मेरे पास से पैसे तुमने निकाले थे ना? कौन से पैसे? झूठा इल्जाम लगा रही हो। क्या हुआ अम्मा? मेरे पर्स से उन लिफाफों से पैसे इसी ने चोरी किए थे। इसी की हरकत यही कर सकती है। अम्मा कोई पैसे नहीं लिए, झूठ झूठा इल्जाम लगा रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ तो कहाँ से आए जोड़े? हाँ, 4,000-6,000 के जोड़े कहाँ से आए? सत्यानाश हो जाए तेरा, तुझे हम पर जरा भी रहम नहीं आया। अम्मा मैंने कोई पैसे नहीं लिए, क्या सबूत है आपके पास? झूठा इल्जाम लगा रही है। सबूत तो मैं देती हूँ तुम्हें। कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया जो सबूत मांग रही हो तुम? आपको तो बहाना चाहिए होता है मुझे मारने का, भड़ास निकालती है बस। ये तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। कहाँ है वो पैसे? लो दे, निकाल पैसे। नहीं है मेरे पास पैसे। तो कैसे आंखें दिखा रही है ये मुझे? करीम। अस्सलामुअलैकुम आयशा बाजी। वालेकुम अस्सलाम। तुम गांव नहीं गए? जी गया था, लेकिन बादशाह साहब ने फ़ोन करके जल्दी आने को बोला तो आना पड़ा। समझे, गांव को दूर से ही देखकर आ गया हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस वो एक फाइल मंगवाई थी बादशाह साहब ने। अच्छा, आप बाहर आए तो मैं आपको चाबी दे देता हूँ, लॉक लगा दीजिएगा। आयशा बाजी, आप अभी तक यहीं हैं? हाँ, सुनो, तुम यहाँ की सफाई नहीं करते बिल्कुल भी। कितनी डस्टी हुई है ये बुक्स, यहाँ की डस्टिंग तो करो। जी देखो, ये सारी इतनी मैल लगी हुई है यहाँ पे भी। ओहो, इस सब को रहने दो, जाओ तुम खाना देखो। जी चली गई हैं, आप मुझे कॉल भी नहीं करती और मैं हर वक्त आपकी फोन का वेट करता रहता हूँ। और अब तो पापा भी मुझे झूठ कहने लगे हैं, वो कहते कभी आप हॉस्पिटल में, कभी कहते आप नानू के पास हैं। अब तो नानू भी मुझसे बात नहीं करती और मुझे लगता है वो तो आपको मेरे लेटर्स भी नहीं भेजती। कम बैक सून मॉम, मिस यू, लव बासित।
आयशा आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर्सनल लेटर्स पढ़ने की? देखने में तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी नजर आती है, आपको इतनी तमीज नहीं है कि किसी के लेटर्स उसकी परमिशन के बगैर नहीं पढ़ते? मैं बस सफाई कर रही थी। किसने कहा था सफाई करने को? मैंने कहा था आपको यहाँ पे सफाई के लिए रखा है? किसी ने नहीं कहा था। मैं इस घर में रहती हूँ, आपकी चीजों का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। और किसने सिखाया ये सबक? किसी ने नहीं, मैं बस मैं अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ इस घर में। इस तरह यूं चोरी छुपे मेरी जासूसी करके मेरे खत पढ़ना, इस तरह बना रही हो अपनी जासूसी जगा? नहीं कर रही हूँ, वो मैं सफाई कर रही थी, डस्टिंग और वो ड्राइंग्स थी बच्चे की। मैं पहले भी एक बार समझा चुका हूँ और आखिरी दफा वार्न कर रहा हूँ, इस घर में जो चीज यहाँ रखी हुई है उसको वैसे ही रखे रहने दें, सब ठीक है। आपने वो लेटर्स भेजे क्यों नहीं? आपको वो लेटर्स पोस्ट करने चाहिए थे, जो उनमें लिखा है उनको अगर मिल जाता तो वो खुश होती। उन्हें बताया क्यों नहीं कि आप उनको खत लिखते थे, मिस करते थे, वापस बुला रहे थे? ये सब कुछ मेरा माजी है और माजी में दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिलता। बेबसी, लोगों की बातें, जिल्लत रसवाई, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। आपको देख के मुझे हमेशा लगता था कि आपके अंदर सिर्फ दुख है और शिकवा है, लेकिन अब लेटर्स पढ़ने के बाद पता चला कि आप में मोहब्बत भी है। जिसको आप नफरत कहते हैं ना, वो सिर्फ एक शिकवा है, एक खलिश है। दर हकीकत आपको अपनी माँ से मोहब्बत है, जैसे किसी भी हसास बच्चे को हो, अपनी माँ को चाहते हैं। तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती। मैं ये जानती हूँ कि आपकी माँ खुद गर्ज नहीं है, मुझे लगता है कि वो मजबूर थी। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। आपको हर बार क्यों लगता है कि जो आप चाहते हैं वही सही है? और बातें दिल में रखने से नफरत फैलती है, अगर ये बात आप उनको भी कह देंगे तो उनको भी सुकून मिलेगा। अरे नहीं चाहिए यार सुकून। और तुम इस मामले में बिल्कुल चुप रहोगी। एक तो आयशा हमें हर जगह साथ देखने को पहले मौजूद होती है, उसने हमें मॉल में देख लिया था। तो क्या हुआ, पहले भी तो देखा था। उसने मुझे पेमेंट करते हुए देखा है आमिर, खुद तो वो बासित भाई के साथ ऐश कर रही थी, और अगर मैंने दिल खुश करने के लिए 30-40 हज़ार खर्च कर लिया तो क्या गुनाह कर लिया? चोरी गुनाह है, लेकिन तेरा अजीब है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। इसे बताया कि घर से पैसे चुराए थे? मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ आमिर। हेलो हेलो जोया, जाने किस रबड़ की खाल है तेरी, और जमीर तो तूने अपना कोई चूरन खिला के सुला दिया है ना, ना तो उस पे मार का असर होता है ना किसी की बात का। ना तो वो पैसे अम्मा के थे और ना ही बानो बाजी के, और बासित भाई तो खुद करोड़पति हैं, उन्हें क्या जरूरत उन पैसों के बदले? बानो की जो बेइज्जती है उसका क्या, उन्हें खुद ही शौक था, वरना आयशा या बासित भाई को इतने पैसों की क्या जरूरत? आयशा अपने शौहर के पैसों पर ऐश कर रही है और तू किसी और के पीछे हमें जलील कर रही है। बस कर दे बॉबी भुक्को, अब आप अम्मा की तरह शुरू ना हो जाए तो खुद ही बात बिगाड़ेगी। रिश्ता आया नहीं कि उसकी खातिर चोर बन गई, और बजाय शर्मिंदा होने के तू हमें ही आंखें दिखा रही। एक बानो का आसरा था, उससे भी दुश्मनी मोल ले ली। आप देंगी ना मेरा साथ? मुझे किसी के मानने के आसार नजर नहीं आते, और तेरा तो अब अल्लाह ही हाफिज है। आपके घर में जरूरत है काम आएंगे। अगर आपको मेरे घर वालों के खर्चे की इतनी फिक्र है तो मुझे जॉब क्यों नहीं कर लेने देते? मुझे हैरत है, आपको मुझसे पैसे लेते हुए शर्म आती है जबकि आपका हक है, और आपको कहीं पर भी कोई मामूली जॉब करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच दे
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा आयशा कहाँ है? जी वो अभी तक नीचे नहीं आई। नहीं आई जी, मैं बुला दूँ? नहीं तुम जा। जी है। इस पूरे घर में सिर्फ यही जगह है जहां की कोई चीज नहीं है। मुझे आपसे बात करना है। करें। देखिए मैं जानता हूं मेरे हर बार ये बात करने से आपकी ईगो हर्ट होती है, लेकिन फिर भी कभी कभार अपनों के लिए अपनी तारीफ को भूल जाता है। समझ नहीं आ रहा क्या रिएक्शन दूं आपकी इस रियलाइजेशन पर। हंसूं या हैरान हूं? ये रख लीजिए, आपके घर में जरूरत है, काम आएंगे। अगर आपको मेरे घर वालों के खर्चे की इतनी फिक्र है तो मुझे जॉब क्यों नहीं कर लेने देते? मुझे हैरत है आपको मुझसे पैसे लेते हुए शर्म आती है, जबकि आपका हक है और आपको कहीं पर भी कोई मामूली जॉब करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि आपकी अम्मी ने मुझे फोन किया और मुझे कहा है कि अगर मैं दोनों को जॉब पर रख सकता हूँ तो आई अज्यूम की कोई जरूरत होगी क्या? प्लीज प्लीज। थैंक यू। हेलो। आयशा क्या बात है, चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? तुम्हारे ससुराल में सब खैरियत है ना? अम्मी आपने बासित को कॉल की थी बानो की नौकरी के लिए? हाँ किया था। बानो सुबह निकलती है नौकरी की तलाश में और शाम को थकी हारी वापस आ जाती है। दिन गुजरते जा रहे थे, मायूसी दिल में बैठती जा रही थी। और कौन है जिसे मैं कहती? मिल जाती बानो को नौकरी, आपको बासित से नहीं कहना चाहिए था। आपको अंदाजा है आपकी इस बात से मैं कितना छोटा पड़ गई उनकी नजरों में? क्यों आयशा, वो कोई गैर तो नहीं है जिसके सामने तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो? अपना बच्चा है, दामाद है मेरा, एक नौकरी की क्या हैसियत है उसकी नजर में? चाय सेब। इसे कहते हैं मांग कर खाओ और हक भी जताओ। क्या बात है, जब किसी ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया तो बाजू ही पकड़ लिया। मैंने मना किया था आपको। गैरों के आगे रोने से तो बहुत बेहतर है कि अपनों को हाले महरम बना लिया जाए। और फिर बासित से क्या ढका छुपा है, हमारे हालात से वाकिफ है वो? हालात से? आपकी लालच से? आयशा बताओ इसे, अगर ये नौकरी नहीं करेगी तो घर कहाँ से चलेगा? वैसे जैसे पहले चल रहा था, मिल जाएगी मुझे नौकरी। एक अफवाह बना लिया इस बात को। बासित के पास ना बहुत कुछ है खोने को, उसको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास सिर्फ रिश्ते हैं, खुददारी है, इज्जत नफ्स है और कुछ नहीं है। लेकिन इन सब से पेट नहीं भरते? और अगर मैंने बासित को कह ही दिया है तो कौन सी बड़ी बात कर दी मैंने? चाय पियो। मुझे यकीन नहीं आ रहा, एक पराए लड़के के लिए तुमने अपनों को ठग लिया। तुम इतना गिर सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो क्या करती, पैसे चाहिए थे, किसको बोलती? अम्मा एक ढेरा देने को तैयार नहीं है, बानोबाजी ने जॉब छोड़ दिया, तुम शादी करके चली गई हो, किससे मांगू? आमिर मुझे तोहफे देता है,
और अगर मैंने उसे दो तीन चीजें खरीद कर दे दी तो क्या गुनाह कर दिया? चिठाई तुम पर खत्म है जोया, तुम शर्मिंदा होने के बजाय अपनी चोरी को जवाब दे रही हो। शर्म करो, तुम्हें बिल्कुल शर्म है नहीं वैसे, है ना? तुम्हारी वजह से हम सब इतने बेइज्जत हुए। इस घर में वही रह सकता है जिसको अपने हक के लिए लड़ना आता हो। ये घर है, कोई जंग का मैदान नहीं है कि लूटमार चल जाए। और वैसे भी तुमने इस लड़के के लिए बस चोरियां करते रहना या जाके कुछ करना भी इस रिश्ते का? आमिर रिश्ता लाने के लिए तैयार है तो मामा से बोलो बस मेरी शादी करने से। ठीक, उसे को अपने माँ बाप को लेके आ, मैं मामा से बात करती हूँ। तुम मामा को मना लोगी? चाय बना के लाऊं तुम्हारे लिए? बस चोरियां मत करो मेरे लिए। बेटी का मामला है खुद से अभी, सोच समझ कर फैसला करना, कोई जल्दबाजी में कदम ना उठा लेना। वो किसी को भी लाकर मेरे सामने खड़ा कर देगी और मैं राजी हो जाऊंगी? वो लड़का पसंद है जोया को। लड़का करता क्या है, कोई नौकरी कारोबार है क्या उसके पास? आपकी बेटी का दिल जोया पसंद करती है उसे, पर अगर इस बार आपने उसके घर वालों को बुला के इज्जत से रिश्ता तय नहीं किया, चोरी तो वो उस लड़के के पीछे कर चुकी है अम्मी। इन्हें लगता है कि जोया भी बानों की तरह खामोश हो जाएगी। जोया कुर्बानी नहीं देगी और ना मैं उसे देने दूंगी। कुत्सिया भाभी, कब तक यही करती रहोगी? पहले मेरी दफा, फिर बानों की दफा, अब जोया की दफा भी यही चाहती हो कि उसकी शादी ना हो? कैसी माँ, अपनी बेटी का कोई एहसास नहीं है तुम्हें? इसकी तकलीफ की वजह यह खुद है, इसका अपना इंतखाब। अब देख लो आयशा को, इसकी शादी मैंने की है ना अपनी मर्जी से, कितनी खुश है ये अपने घर में। तो क्या चाह रही हो, कि जो बानो के साथ हुआ वही अब जोया के साथ भी, है ना? मैं जोया का बुरा नहीं चाहती। ठीक है, बुलाओ उस लड़के को, देखूं मैं अगर वो जोया को खुश रख सकेगा तो मुझे कोई एतराज। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी तुम आयशा, मैं बहुत देर से तुम्हें कॉल्स कर रही थी। अम्मी के घर, वो फोन डेड हो गया था, सॉरी। फहद भी बहुत देर से कॉल्स कर रहा। फहद, वो आज दावत थी, मैं बस अभी तैयार होती हूँ, आप रेडी हैं? नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, तुम लोग जाओ ना इकट्ठे, भी आपस में कुछ टाइम स्पेंड करो। नहीं वहाँ फहद भी होगा ना, आप चलें साथ। फहद तो उसका दोस्त है, मैं शायद कुछ भी नहीं। जाओ, बहुत देर हो रही है, इंतजार कर रहे हैं वो लोग। गेट रेडी। मैं कुछ नहीं सुन रहा, तेरे ऑफिस की मसरूफियात कभी नहीं खत्म होंगी, अब जल्दी से आजा फ्री होके। यार क्या जरूरत है इस फॉर्मेलिटी की फाद, मुझे पता है मुझे ये सब चीजें वैसे ही पसंद नहीं है। पता है, लेकिन ये डिनर तेरे लिए नहीं, खास भाभी के लिए। यार फाद, क्या बचपना है। बचपना नहीं, तेरी शादी का डिनर है। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ, चाहे जितनी भी देर हो जाए सीधा डिनर पे पहुंच जाना। फाद तुम फोन रखोगे तो काम खत्म करके आऊंगा। हाँ हाँ, जल्दी से फ्री होके पहुंच। ओके ओके बाय। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम भाभी, काइंडली प्लीज। थैंक यू। बासित नहीं आया, चले कोई बात नहीं, आप ये देखें मेरी उससे बात हुई है, वो आ जाएगा। प्लीज एक्सक्यूज मी फ्रॉम। हेलो बासित, कहाँ पे यार, भाभी भी आ गई, अब तो सिर्फ तेरा वेट हो रहा है। फादर अचानक एक मीटिंग कॉल हो गई है, एक सेकंड लाऊं दूसरी में बसाऊं। तू अभी तक ऑफिस में? यार फादर प्लीज यार कम ऑन। यार तूने प्रॉमिस किया था मेरा, नहीं कम से कम भाभी का ही ख्याल कर ले। मेरी बात सुन, ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है, मीटिंग इंपॉर्टेंट है, छोड़ के नहीं जा सकता। अच्छा सुन, आयशा को खाने के बाद घर ड्रॉप कर दे। मतलब तू वाकई नहीं आ रहा? या बाय। आपने जिस मकसद के लिए शादी की थी वो तो पूरा हो गया, सब कुछ आपके नाम पे है, तो आपने मुझे कैद क्यों किया, आप आजाद क्यों नहीं कर देते? मैं ना मुंह खोली, मैं ना कुछ बोली, सही